और बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से, वसीम रिजवी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को आदेश दिया है, सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने का वक्त दिया है। धर्म संसद में भड़काऊ बयान देने के मामले में आदेश जारी हुआ है। जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को सरेंडर करने का वक्त सितंबर तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल हरिद्वार में धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी पर भी आरोप लगे थे और इसी मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र त्यागी और वसीम रिजवी को सरेंडर करने का आदेश दिया है। सितंबर तक का वक्त वसीम रिजवी को दिया गया है। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं इसके पहले और इसके साथ बयानवीर के तौर पर पहचान है। विवादित बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से इसी तरह का आरोप उन पर लगा। धर्म संसद जो हरिद्वार में बुलाई गई थी वहां गलत टिप्पणियां की गई और उसी बयानबाजी को लेकर जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर तक सरेंडर करने का आदेश वसीम रिजवी को दिया है, यानी कि एक बड़ा झटका है। अब इस चीज को वो चैलेंज कर पाएंगे, उनके पास ऑप्शन बेहद कम दिख रहा है।